जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही निशाने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब को लिया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब के खिलाफ लगातार षड्यंत्र हो रहा है और ये राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत उन्हें आज जेल में रहना पड़ रहा है। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के साजिश और षड्यंत्र किया है, लेकिन इस तरीके से राजनीति में समय आंटी पकड़ो थोड़ा उधर बढ़ा दीजिए, किसी से बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से क्या नीचे रखो थोड़ा करेंगे आप। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है उन पर तमाम मुकदमे लगे हैं और संयंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया है। 8 मामलों में जमानत मिली है अभी उनको। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में न्यायालय उनकी मदद करेगा, न्यायालय से उन्हें मदद होगी। दिल्ली के दंगों पर स्वच्छता मिशन